नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको गोगा जी का विवाह और आमिर नरेश के साथ युद्ध की कथा सुनाऊंगा। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। अपने भतीजे के नाराज होकर चले जाने के बाद राजकुमारी श्रेयल की कलाई में अति उत्तम लाल रंग का कंगन बंधवाया और अपने कुल की रीति अनुसार कामनियों को कन्या के साथ भेजकर दुर्गा पूजन आदि नेक निपटवाए। फिर राजकुमारी श्रेयल की सखियों को जन्माशय में भेजा, जिन्हें दूल्हा देखने का अधिक चाव था। राजकुमारी की सहेलियां होने के नाते जीजा जी से हंसी मजाक करने का मन हो रहा था। वे सब गाती बजाती, ढोलक की तान सुनाती, उमंग से भरी जन्माशय में राजकुमार तारा सिंह के सम्मुख जा पहुंची, जहां वे दूल्हा बना हुआ मुख में 5 बाय अति उत्तम कीमती कंगन बांधे वहां बैठा था। सारी सखी सहेलियां अपना मुंह फेर कर मुस्कुराने लगी। तभी चतुरंगी सखी बोली, क्या इसी लंगूर के संग श्रेयल ब्याही जाएगी? इधर सब सखियां अचंबा कर दुखी हो रही थी, उधर तारा सिंह इन हसीन अप्सराओं जैसी सुंदरियों को देखकर कह रहा था, संगलदीप प्रांत तो पद्मनी नारियों की खान है, जिसकी सखियां इतनी सुंदर है वे राजकुमारी कैसी होगी। आमिर नरेश के नाई ने जब राजकुमारी की सखियों की नाक सिकोड़ते देखा तो तारा सिंह के चेहरे को घुमाकर आड़ में कर दिया। तब राजकुमारी की सखियां भी उल्टा सुल्टा पूजन कर मन ही मन दुखी होती हुई बिना हंसे बोले रवाना हो गई। महल के आंगन में पहुंचकर पूजा के बर्तन चौक में पटक कर उल्टे पैर अपनी सखी श्रेयल के कक्ष में जा पहुंची। चतुरंगी सखी हाथ जोड़कर बोली, क्या आपके पिता ने इसी बंदर की शक्ल वाले राजकुमार को अपनी लाडो के लिए चुना है? चलो अच्छा है, जब जी चाहे डुगडुगी बजाकर नचा लिया करना। अपनी सखी की बात सुनकर राजकुमारी दुखी होकर बोली, हे प्राण प्यारी सखियों, ये बंदर की शक्ल वाला दूल्हा तुम्ही को मुबारक हो, जिसका तुम अभी पूजन करके आई हो। मैं तो उसके मुंह पर देखूं भी नहीं, मेरा दूल्हा तो तुम सब देख चुकी हो। अगर एक बार दर्शन से मन नहीं भरा तो दोबारा बुलाकर दर्शन करा सकती हूँ। जरा ठहरो दोस्तों। राजकुमारी श्रेयल ने गोगा वीर का ध्यान कर जोत जलाई और दर्शन देने की प्रार्थना की। सभी सखियों ने देखा, वही बाग वाला सुंदर राजकुमार अपने नीले घोड़े पर आसमान में उड़ा चला आ रहा है, जहां राजकुमारी सहित सभी सखियां महल की छत पर उसके दर्शन के इंतजार में खड़ी हुई थी। कुछ ही देर में वह राजकुमार आ पहुंचा, जिनके दर्शन सभी सखियों ने नमस्कार करने के बाद जी भरकर किए। चतुरंगी सखी मुस्कुराकर बोली, जीजा जी, हमारी बहन पर ऐसा तार है जिससे तुम जैसे वीर खींचे चले आते हो। चतुरंगी की बात सुनकर गोगा वीर मुस्कुरा दिए। तब सभी सखियों ने ताली बजा बजा कर पुष्पों की वर्षा कर गोगा वीर का स्वागत किया। तब राजकुमारी मुस्कान बिखेर अपने प्रीतम से बोली, आमिर नरेश तो बड़े ठाठ बाट से ब्याह की तैयारी कर रहे हैं, आपके घर वाले रास्ते में कहाँ रुक गए? इतना सुनकर गोगा वीर बोले, ये सब तुम लोगों के सोचने की बात है, मेरी नहीं। तुम्हें मेरे साथ अपना ब्याह करवाना है तो गुरु गोरखनाथ के नाम की माला फेरो। इतना कहकर गोगावीर ने नीला घोड़ा आसमान में उड़ा दिया। सखी सहेलियां हाथ मलती और ये देखती रही कि ये गए वो गए और नीला घोड़ा कबूतर की तरह अपने स्थान पर जन्माशय में जा पहुंचा। तब सब सखियों ने श्रेयल के भाग्य की सराहना की। इधर गोगावीर ने नीले घोड़े को नहला धुलाकर और दाना घास खिलाकर तैयार किया। उधर राजा सिंधा सिंह का निमंत्रण मिलने पर राजकुमार तारा सिंह के चेहरे पर ढेर सारे फूलों के हार का सहरा, जिसके बांध देने से मुंह अच्छी तरह छिप गया और सर पर सुनहरे काम का खूब बढ़िया मोहर बांध दिया गया। जब वह घोड़े पर सवार होने लगा तभी किसी ने छींक दिया। उसी समय सामने से बिल्ली रास्ता काट गई। आमिर नरेश ने खबर की, हमारी बारात बरौठी के लिए आ रही है। दोस्तों, आमिर नरेश आवाज़ सुनकर गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों और नरसिंह पांडे सहित बारात लेकर आगे आगे चले और सबसे पीछे गोगा जी अपने नीले घोड़े पर संतों के संग घंटे घड़ियाल बजाते हुए धूम धड़ाके से चले। आगे बढ़ने पर दोनों बारातें मिलजुल कर एक हो गई। आमिर नरेश बागड़ की बारात देखकर बोले, ये चौहानों की बारात है या मथुरा नगरी की रास मंडली? परंतु नीले घोड़े का सवार चक्रवर्ती नरेश बनने लायक है, पता नहीं इसके बाप दादा और सारे बाराती कहाँ चले गए। इस पर एक उनके मित्र बोले, आपको पता नहीं, गुरु गोरखनाथ एक दूरदर्शी चमत्कारी संत हैं। ये और उनकी माँ गुरु गोरखनाथ की शिष्या हैं और ये पांचों बाराती बड़े जुझारू वीर मालूम पड़ते हैं, जो गोगा जी के गुरु भाई हैं।
आपकी बारात को सिर्फ ये पांचों ही मारकर भगा सकते हैं। गोगा वीर तो आप सबको अकेला ही काफी है। दोस्तों, बारात बड़े धूम धड़ाके के संग राजा सिंधा सिंह के महल की तरफ जा रही थी। ओगरनाथ ने गोगा वीर के इशारे से आमेर की बारात के बराबर रास्ते से बारात काटकर अपनी बारात आगे कर ली। राजा सिंधा सिंह ने जो बारात के स्वागत के लिए बादाम, पिस्ते वाली बर्फी, रसगुल्ले, रसमलाई और गुलाब केवड़े का शरबत तैयार किया था, पहले बागड़ वालों ने खूब जी भरकर खाया पिया। गुरु गोरखनाथ की कृपा से महल के दरवाजे पर ही बाजे बजने लगे। गोगा वीर की बारात महल के आगे ही रुक गई। राजकुमारी श्रेयल की सखियों ने आमेर वालों की बारात समझकर कन्या के कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। तब राजकुमारी श्रेयल ने महल के झरोके से झांक कर गुरु गोरखनाथ बाबा तथा अपने पति गोगा वीर के दर्शन किए। इधर राजा सिंधा सिंह ने बागड़ वालों का गलत ढंग देखा तो उन्हें पिछला कार्यक्रम रद्द करके दूसरे दरवाजे पर आमेर नरेश को चुपके से बुलाकर कहा, आप बारात को तो वहीं रोके रहो, सिर्फ आप दूल्हे को लेकर इधर से आ जाओ, जिससे बरौठी का कार्यक्रम निपट जाए। आमेर नरेश चुपके से तारा सिंह को लेकर दूसरे दरवाजे पर पहुंच गए। तब श्रेयल की सखियां राजकुमारी को लेकर मुख्य द्वार की ओर मंगलगान करती हुई चली। तब राजा सिंधा सिंह बोले, उधर को नहीं, इधर को। तब राजकुमारी श्रेयल अपने पिता से हाथ छुड़ाकर फूट फूट कर रो पड़ी। तभी रानी सरोजा भी जोर जोर से रोने लगी। इनकी देखा देखी सारी सखियां ने भी अपने नैनों से नीर बहाना शुरू कर दिया। तब गोगावीर ने जाना राजकुमारी के साथ कुछ जोर जबरदस्ती की जा रही है। जब पीछे मुड़कर ध्यान से देखा तो आमेर नरेश का राजकुमार बग्गी सहित गायब है। जब तक राजकुमारी श्रेयल दरवाजे पर खींचकर ना आ पाई, उससे पहले गोगावीर अपने घोड़े पर सवार दूसरे दरवाजे पर आ पहुंचे। गोगा जी के घोड़े को आता देखकर गुरु गोरखनाथ को शीश नवा, ओगरनाथ, नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल, रत्ना, अर्जुन सर्जन भी महल की दूसरी ड्योढ़ी पर आ पहुंचे। गोगा जी ने आओ देखा न ताओ पूजन वाले पलटे पर से तारा सिंह को धक्का देकर स्वयं चढ़ गए। इधर सिंधा सिंह और उनकी दासियां मिलकर कन्या को दरवाजे तक खींच लाई। जब राजकुमारी शेयर ने गोगा वीर को पलटे पर खड़े देखा तो तुरंत ही अपने मन में मुस्कुराकर अपने पति के मोहर का पूजन रोली चावल से किया और माता सरोजा ने अपने दामाद की आरती उतारकर गिन्नी मोहरों से न्यौछावर की। ये तमाशा देखकर संत ओगरनाथ ने अपनी ऐसी माया फेरी कि आमेर नरेश की सारी बारात मोहित हो गई। न्यौछावर हो जाने के बाद बागड़ प्रांत के सातों वीरों ने मिलकर आजमेर नरेश की बारात के वीरों को अपनी तलवारों का जोहर दिखाकर लाश के ऊपर लाश गिरा दी। जो अकड़कर सामने आया उसी का शीश धड़ से अलग कर दिया। नीला घोड़ा सोच रहा था कि गोगावीर कब मेरी पीठ पर चढ़े और कब मैं अपनी दुलत्तियों से अपनी करामात दिखाऊं। जब उसे कोई इशारा ना मिला तब उसने मौका देखकर अपनी दुलत्ती घुमाकर सिंधा सिंह के मारी उन्हें अपनी छठी का दूध याद आ गया। दरवाजे के युद्ध का समाचार बारात में चारों तरफ फैल गया। तब कुछ आमेर वाले मतवाले योद्धा आगे बढ़े, परंतु बागड़ के वीरों के आगे वे भी जख्मी हो भागते नजर आए और बहुत से तो अपने शीश कटाकर स्वर्गलोक से धार गए। बाकी बारातियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बागड़ के वीरों ने अपनी जीत की खुशी में गुरु गोरखनाथ जी की कृपा का गुणगान किया। दोस्तों, आमेर की बारात की पिटाई का दोष नरेश ने राजा सिंधा सिंह के माथे मारा। आमेर नरेश ने साफ कहा, आपने बागड़ प्रांत से बारात बुलाकर हमें बेइज्जत किया है। हम लोग पिटते रहे और आप खड़े तमाशा देखते रहे। क्या तोमरवंशी अपनी इसी वीरता का ढोल पीटते फिरते हैं? गुप्त द्वार पर बेरोटी करवाने के षड्यंत्र को हम भली भांति समझ गए। बागड़ वालों के चले जाने के बाद हम अपने अपमान का बदला लिए बगैर आमेर वापस नहीं जाएंगे। आमेर नरेश को आधीर देख राजा सिंधा सिंह बोले, मैंने तो आपके हित के लिए ही दूसरा द्वार खुलवाया था, मगर क्या करूं, मेरे सब करे धरे पर पानी फिर गया। इधर तो राजा सिंधा सिंह आमेर नरेश के जख्मों पर मीठी मीठी बातों का मरहम लगा रहे थे और उधर गुरु गोरखनाथ ने संजीवनी विद्या के प्रभाव से मक्खी बने बारातियों को चेतावनी दी, जिसे सुनकर सब राजे महाराजे फौजदार अपने अपने हाथी घोड़ों पर सवार हो गए। राजा उमरपाल सिंह व राजा जेवर सिंह ने अपने अपने हाथियों पर चढ़ आमेर नरेश को चारों ओर से घेर लिया और हाथी घोड़ों ऊँटों पर चढ़ चढ़कर
मार मार मचा दी। बागड़ के वीर आंधी तूफान के सम्मान अपने बरछी भाले चलाते थे। ये गत देख राजा हरि सिंह बोले, राजकुमारी श्रियल हमारी मांग है, आप व्यर्थ ही मारकाट करने पर उतारू हैं। अगर हमें भी क्रोध आ गया तो तुम्हारे गोगा चौहान को मार राजकुमारी श्रियल को जबरदस्ती ले जाएंगे। आमेर नरेश की बात सुनकर बागड़ वालों को भी जोश आ गया। महाराजा उमरपाल सिंह ने भी अपना हाथी आगे करके मारामार मचा दी। खूनी हाथी की मार के आगे कछुआओं के पैर उखड़ गए। तब गोगावीर ने अपने नीले घोड़े को आगे बढ़ाकर तारा सिंह का रास्ता रोक लिया। तारा सिंह ने गोगावीर के सामने से बचकर भागना चाहा। तब तक तो गोगावीर ने अपने खंजर से उसका शीश धड़ से जुदा कर दिया। तारा सिंह का मारा जाना सुनकर कछुआ राजा और उनके बाराती अपना शीश हथेली पर धरकर एकदम गोगावीर की सेना पर टूट पड़े। आमेर के राजकुमार के मारे जाने से राजा सिंधा सिंह भी अपनी फौज ले अपने हाथी पर सवार हो कछुआओं की तरफ से बागड़ वालों की पलटन में मार काट मचाने लगे। जब राजा सिंधा सिंह को आमेर वालों की तरफ से अपने वीरों को काटते देखा तो नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल वगैरह बागड़ के सातों वीरों ने अपने अपने अश्व पर चढ़कर गुरु गोरखनाथ का ध्यान धरकर घमासान युद्ध किया। इनकी मार देख कोई अपने हथियार छोड़कर भाग रहा है तो कोई अपना सिर कटाकर लंबा पड़ा खून में खून हो रहा है। नीले घोड़े ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी। गोगावीर के एक वार से ही दो दो मारे जा रहे थे। तीसरे के लड़ाई देखकर ही प्राण निकल जाते थे। चौथे, पांचवें, छठे सब भागते नजर आते थे। नीले घोड़े ने तो घमासान युद्ध कर कमाल ही कर रखा था। जो गोगावीर की तरफ तलवार लेकर आता उसे नीला घोड़ा कच्चा ही चबा जाता और जो उसके आगे 30 मारखा बनकर आता उसे ऐसा उछाल फेंकता कि उसका पता ही नहीं चलता था। बहुतों को अपने मुंह में दबाकर ऐसा दौड़ता कि उसे दम तोड़ते ही बनता था। अपनी फौजों को बिना मौत मरते देखकर राजा सिंधा सिंह और आमेर नरेश बोले, हे बागड़ प्रांत के महाराजा, हम दोनों क्या अगर सारा देश भी आपके विरुद्ध आकर लड़े तब भी आप लोगों से फतेह नहीं पा सकता, क्योंकि गुरु गोरखनाथ का आपके सिर पर साया है। अगर योगी जलंधरनाथ हमारे साथ होते तो आप हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। कल शुभ मंगलवार और फागुनवदी नवमी का दिन है, इसीलिए कन्या के विवाह का मुहूर्त भी देखना जरूरी है। इसके अलावा उनके बेटे तारा सिंह की मृत्यु युद्ध में हो गई है, इसीलिए भी इनकी लड़ने की हिम्मत नहीं रही है। सो आप हम दोनों को क्षमा कर मेरी बेटी श्रियल के संग अपने बेटे गोगावीर का ब्याह हंसी खुशी कर मुझे कन्या ऋण से मुक्ति दिलाएं। मैंने जो आमेर वालों को अपने यहाँ बुलाया था वह आपके नरसिंह पांडे के वचनों के अनुसार ही आप लोगों की बहादुरी देखने के लिए बुलाया था। आप इन पांडे से पूछ सकते हैं मेरी बात गलत तो नहीं है। इस पर नरसिंह पांडे बोले, महाराज आप जो मीठी चुपड़ी बातें अपनी हार मानकर कह रहे हैं ये सब सही नहीं है। योगी जलंधर नाथ जी आपसे सख्त नाराज हो गए हैं, इसीलिए आपके यहाँ नहीं आए। आपने अपने गुरु की अवज्ञा की थी। वैसे वे राजा गोपीचंद की कैद से छूटकर आ चुके हैं, परंतु अब वे आपसे मतलब रखना नहीं चाहते। आपने ये ठीक नहीं किया जो अपनी अधीनी द्वारा लड़ाई बंद करवा दी, परंतु हमारे हृदय पर आपका कटपूर्ण व्यवहार नहीं मिट सकता। आपने हमें बुलावे में डालने को लग्न पत्रिका में 4 दिन आगे की तिथि लिखवाई थी। इतनी बात कहे और अपना बिगुल बजा लड़ाई बंद कर देने का आदेश दिया, जिससे तुरंत युद्ध बंद हो गया। दोस्तों, इस प्रकार सुलह हो जाने पर सब वीरों ने खुशी मनाई और आमेर नरेश को धीर बंधाई कि हम लोगों को आपके राजकुमार के लड़ाई में मारे जाने का काफ़ी दुख है, पर ईश्वर के आगे मनुष्य मजबूर है, परंतु अभी एक उपाय बाकी है। राजा सिंधा सिंह और आमेर नरेश जाकर गुरु गोरखनाथ के चरण पकड़ लें तो मुमकिन है वे प्रसन्न होकर आपके सब संकट हर लें, आपकी गलतियों को क्षमा कर तारा सिंह को जिंदा कर दें। नरसिंह पांडे की ये बात दोनों राजाओं की बुद्धि में बैठ गई। तब उन्होंने कहा, पंडित जी आप वाकई ही परदुख भंजनहार हो, दयालुता आप में कूट कूट कर भरी है, इसीलिए आपके वचन मिथ्या नहीं हो सकते। आपकी सलाह के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन हारे हुए दोनों राजाओं ने बारात के पड़ाव पर जाकर गुरु गोरखनाथ जी के चरण पकड़ लिए और अपनी गलतियों की क्षमा मांगी। गुरु गोरखनाथ जी ने
अति प्रसन्न हो आमिर नरेश के शीश पर हाथ धरा और अपनी धुनी से बबूती उठाकर संजीवनी विद्या द्वारा सिद्ध मंत्र पढ़कर राजा हरि सिंह को दे दी कि आप अपने बेटे तारा सिंह के मस्तक से इसे मल दें और आधी पानी में घोलकर खिला देना। इसके प्रभाव से आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। फिर सिंधा सिंह नरेश से बोले, राजन आपको भी कुछ चाहिए? आप तो वैसे ही बड़े भाग्यशाली हो। आपकी बेटी श्रेल ऐसे राजकुमार को ब्याही जा रही है जो महान देवताओं का वंशी है। वह तो अमर है ही, आपकी बेटी भी उनके साथ अमर हो जाएगी और वह महान सतियों में गिनी जाएगी। इन दोनों का ध्यान धर जो भी निष्कपट त्याग प्रेम से पूजेगा, चाहे नर हो चाहे नारी, उसकी मनोकामना पूरी होगी। इनका पूजन और आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इनके साथ ही जब तक सूर्य चंद्रमा है आपका भी नाम रोशन रहेगा। जो जो सेवा अपने देश की गो भक्त गोगा कर रहा है उसी से इसकी कीर्ति में चार चांद लगेंगे। अब आप चलकर अपनी कन्या के हाथ पीले करके पुण्य और कीर्ति के भागी बनो। गुरु गोरखनाथ की बात सुनकर दोनों राजा अति प्रसन्न हो आशीर् प्राप्त कर चल पड़े। राजा सिंधा सिंह राजकुमारी श्रेल के विवाह के इंतजाम में लगे और शहर पनाह के नामी ग्रामी हलवाइयों को विविध प्रकार के व्यंजन तैयार करने की आज्ञा दी। तब महिलाओं ने महल के भीतर ढोलक मजीरे बजा बजा कर मधुर कंठ से मंगल गान गाने शुरू किए। अगले दिन अपनी बेटी के ब्याह की खुशी में महारानी सरोजा अपनी दास दासियों को सब मेहमानों का स्वागत करने का आदेश दे रही थी। उधर आमिर नरेश ने अपने बेटे तारा सिंह के शीश को धड़ से जोड़कर आदि विभूति पानी में घोलकर उसके मुंह में डाली और आदि मस्तक पर मल दी, जिसके प्रभाव ने तुरंत ही अपना चमत्कार दिखाया। राजकुमार तारा सिंह जीवित होकर इस प्रकार उठ बैठा जैसे कोई गहरी निद्रा में सोया हुआ इंसान उठ बैठता है। आमिर नरेश गुरु गोरखनाथ को मस्तक नवा अपने नगर को लौट गए। किसी से इस अपूर्व घटना की चर्चा नहीं की, परंतु बात छिपाए छिपी नहीं। सब जनता को पता पड़ गया और सब ने आपस में बैठकर कहा, महाराजा अमरपाल सिंह ने गोगा वीर के ब्याह की तैयारी बड़ी धूमधाम के संग की। नरसिंह पांडे से पुरोहित जी का काम लिया, इनके बताए अनुसार देवी देवताओं का पूजन गुरु गोरखनाथ के साये में हुआ। नीले घोड़े को उसके सुनहरी साज से सजाया गया। गोगा वीर को उनके मामा के लाए कपड़ों से सजाकर मोती मणियों की माला गले में पहनाई गई और बाले भांजे को सम्मान पूर्वक हीरे पन्नों की मालाएं भेंट की। गोगावीर के मित्रों भज्जू कोतवाल, रत्ना, नरसिंह पांडे और अर्जुन सर्जन को अपने सब घोड़ों में से मनपसंद छटवाकर एक एक घोड़ा सुनहरी साज से सजाकर बहादुरी के लिए इनाम में दिया, जिससे सब बराती उन्हें गोगावीर का सगा भाई ही समझे और कोई ऊंच नीच जाति का कहने का साहस ही न करे। ये सब सज धज कर ऐसे जच रहे थे जैसे गोगावीर के सगे भाई हो। संगलदीप की सुंदर पद्मनिया अपना तन मन निसार कर अपना धीरज खो बैठी। गोगावीर की बारात ढोल तमाशों की धूमधाम में राजा सिंधा सिंह के महल के नजदीक जन्मासे में जा पहुंची। गुरु गोरखनाथ के शिष्यों के लिए अलग तंबू तने हुए थे। वे वहीं बैठकर भांति भांति के पकवानों से उदर की पूर्ति करने लगे। मेहमान राजाओं महाराजाओं को जन्मासे में ही कुर्सी मेजों पर ही भोजन सामग्री परोसी गई। राजा सिंधा सिंह ने हाथ जोड़ जोड़ कर सब मेहमानों की तबीयत प्रसन्न कर दी। सब बरातियों को 5-5 सोने के बर्तन और 11 गिन्नियां भेंट की। गुरु गोरखनाथ के शिष्यों ने ये भेंट स्वीकार नहीं की और कहा, ये चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं। तब राजा सिंधा सिंह ने 5 हाथी चांदी की अंबारी धरवाकर गुरु गोरखनाथ को अपने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर भेंट की, जो उन्होंने स्वीकार कर ली। उधर महल में राजा जेवर सिंह, नेवर सिंह व उमरपाल सिंह की मौजूदगी में राजकुमारी श्रेल के साथ 3.5 फेरे बाकी के पूरे किए गए। तब राजा सिंधा सिंह ने आधे ब्याह होने का कारण जानना चाहा, तो गुरु गोरखनाथ बोले, मैंने 3.5 फेरे वे माता की आज्ञा अनुसार इनके स्वप्न में ही करवा दिए थे। आप अपनी राजकुमारी से पूछना चाहो तो पूछ के देखो। राजा सिंधा सिंह बोले, गुरुदेव जो भी आप करते हैं हम लोगों के भले के लिए ही करते हैं, फिर राजकुमारी से क्या पूछना। इतना कहकर तंदुल नरेश ने अपनी राजकुमारी को इतना दहेज दिया कि सब राजा महाराजा हैरत में पड़ गए कि राजा के पास इतना धन आया तो आया कहाँ से। दोस्तों, अपनी प्यारी बेटी श्रेल को विदा करते समय अपने नैनों से नीर बहाकर
और उसे गले से चिपकाकर रानी सरोजा ने उपदेश दिया, मेरी लाडो बेटी, ससुराल पहुंचने पर अपने सास ससुर जेठ जेठानी नंद की प्रेम पूर्वक तन मन धन से सेवा करना, किसी से स्वप्न में भी कड़वा बोलने का विचार ना करना। सेवा से ही कीर्ति का मेवा जग में प्राप्त होता है। इसी मेवा व्रत में नारी जाति का सम्मान सब जगह होता है। स्त्री दूधों से नहाकर पोतों की जन्मदात्री बनती है। अपनी माता की उपदेशवरी बातें सुनकर नगरी के छूटने के दुख से दुखी हो नैनों से नीर बहा बाजे गाजे के साथ सबसे विदा हुई। तब राजा जेवर सिंह ने सुनहरी मोहरों की मुट्ठी भर भर कर दिल खोलकर खूब बिखेरे। इसी तरह धूम धड़ाके से गाजे बाजे के साथ दहेज की गाड़ियों के संग कुछ ही पलों में समुद्र तट पर आ पहुंचे। तब अमृत तुल्य हवा खाकर सबके चित बहाल हुए। बारात का सामान पहले से ही दोगुना हो गया था, इसके लिए गुरु गोरखनाथ ने पहले जैसी योजना बनाकर दो बार में समुद्र पार करवाया। गोगावीर ने अपने स्वप्न को पूरा हो जाते देख रानी श्रीयल को डोली से उतारकर नीले घोड़े पर अपनी पीठ के पीछे बिठा लिया। मौका देखकर गुरु गोरखनाथ को अपना मस्तक नवाकर गोगावीर ने घोड़े को इशारा किया, जिसे समझ वह आसमान में ऊंचा उड़कर कबूतर की तरह कला दिखाने लगा। कभी नीचे उड़ता, कभी ऊपर उड़कर आसमान में ऊंचा चला जाता। उसी समय घोड़े ने अपनी गति और तेज कर दी। तब गोगावीर ने अपना मुख घुमाकर पूछा, रानी कैसा आनंद आ रहा है? तब वह शर्माकर मधुर मुस्कान बिखेरती हुई, जिससे उसके दांत अनार के दानों को मात दे रहे थे, 16 सिंगार किया हुआ गुलाबी मुखड़ा चंद्रमा से भी अधिक चमचमा रहा था। नैन हिरनी के नैनों की भांति लज्जा रहे थे। गोगावीर के नैन आगे के बजाय पीछे अपनी दुल्हन को देख देख कर अपने नैन तृप्त करते रहे। उन्हें पता भी नहीं चला समुद्र तट और बारात कितने पीछे रह गई। घोड़े ने अपनी रफ्तार मंदी की और बाज के समान महल के फाटक पर जा पहुंचा। तब गोगावीर का स्वप्न टूटा। आगे दूल्हा और पीछे दुल्हन को नीले घोड़े की पीठ पर सवार देख बच्चों ने ताली पीट पीट कर शोर मचा दिया कि गोगा भैया आ गए हैं। बार बार इस प्रकार उछलते कूदते महारानी बाचल के पास जा पहुंचे और वहां भी इसी तरह ताली बजा बजा कर कहने लगे, गोगा भैया आ गए हैं। तब रानी बाचल ने ताज्जुब के साथ झरोखे से झांक कर नीचे की तरफ देखा कि नीले घोड़े पर आगे उनका लड़का और पीछे बहुरानी बिना गाजे बाजे के महल के बाहर सजे धजे खड़े हैं। तब महारानी बाछल ने अपने दास दासियों नंद छबील दे व अपनी बहन काछल को संग लेकर गाती बजाती ढोलक मजीरों की तान सुनाती दरवाजे पर जा पहुंची। अपने बहु बेटे की आरती उतार मंगल गान गाकर गुरु गोरखनाथ को याद किया और अपनी बहू को घोड़े की पीठ से उतारा। तब तक बारात के बाराती सब राजे महाराजे नगर निवासियों सहित गुरु गोरखनाथ आ पहुंचे, जिन्हें आराम के साथ ठहरा कर खूब खातिरदारी की। उधर महारानी बाछल अपने बेटे बहू के संग नगर के कुल देवता के मंदिर में जा पहुंची। तब पुरोहित ने घंटे घड़ियाल और शंख बजाकर सब राज परिवार वालों का स्वागत किया और अपनी भेंट पूजा लेकर कुल देवता का पूजन करवाया और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, सब लोग मंदिर में अपना मस्तक नवा प्रसाद ग्रहण कर राजमहल में पधारे। उधर सब राजे महाराजे कुटुंब परिवार के भाई बंधु तथा इष्ट मित्रों ने अपनी अपनी हैसियत अनुसार उपहार देकर